पेट्रोल डीजल की जगह फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे। गडकरी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल किए धांसू इनोवेशन आइडियाज। हाइड्रोजन कार तो बस झाकी, हवा में उड़ने वाली बस बाकी है। 9 सालों में कितना हाईटेक और इनोवेटिव हुआ देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल आए दिन बढ़ता जा रहा है। राजधानी में ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए बेहतर रोड एक्सप्रेसवे के साथ साथ अब सरकार पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेटिव आइडिया के साथ जोड़ रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा लेने वाले काबिल मंत्री गडकरी ट्रांसपोर्ट को इनोवेटिव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी का नतीजा है कि अगले 2 साल में वो अर्बन ट्रांसपोर्ट में स्काई बस टेक्नोलॉजी को शामिल करने जा रहे हैं। पहली स्काई सर्विस दिल्ली और गुरुग्राम के बीच चलेगी। खास बात यह है कि ये पिलर के सहारे चलती है, ट्रैक के लिए अलग से जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। मेट्रो से 50% सस्ता और एक बार में 200 लोग बैठ सकते हैं। स्काई बस के अलावा गडकरी खुद भी नए इनोवेटिव आइडियाज ट्राई करते रहते हैं, जो कि आज शान से देश की सड़कों पर दौड़ रही है। देश में हाइड्रोजन कार तब सुर्खियां बन गई जब गडकरी उस गाड़ी में बैठकर संसद पहुंचे थे। इस गाड़ी की माइलेज कॉस्ट पेट्रोल डीजल वाली कारों की तुलना में काफी कम और इको फ्रेंडली भी है। ये कार्बन नहीं छोड़ती, देश में इसका प्रचलन बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अहम रोल में होगा, इसीलिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देश का पहला इलेक्ट्रिक रोड दिल्ली और जयपुर के बीच बना रही है। एक ऐसा हाईवे जिस पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही दौड़ेंगे। रोड के ऊपर बिजली के तार लगे होंगे, जैसे ट्रेन के ऊपर लगे इलेक्ट्रिक वायर से ट्रेन को बिजली मिलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को बिजली मिलेगी। वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। पर्यावरण को कार्बन और लोगों को पेट्रोल डीजल के महंगे खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए गडकरी ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली मेड इन इंडिया 100% एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार भी लॉन्च की है, जो कि 60% इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी और 40% बायो एथेनॉल से चलेगी। अगर ये कार चलेगी तो इसका फायदा तेल कंपनियों को नहीं बल्कि किसानों की जेब में पहुंचेगा। दरअसल एथेनॉल चीन के शीरे, चावल, मक्का और दूसरे प्रकार के अनाजों से बनता है। भारत तेल खरीदने के लिए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 119.2 अरब डॉलर रुपए खर्च किए हैं। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल पर देश का बहुत सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। अब सरकार ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसें संचालित की है। मार्च 2023 में बेंगलुरु में गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि 15% मेथेनॉल वाले डीजल पर चलेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए बसें लॉन्च की गई, अगर ट्रायल सफल रहा तो देश भर के पेट्रोल पंपों पर मेथेनॉल ब्लेंडिंग वाला डीजल पेट्रोल मिलेगा। पहले टोल नाके पर अक्सर तकरार की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब सीधे फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर रुकने का टाइम जो पहले 734 सेकंड था वो अब घटकर 47 सेकंड हो गया है। बैम्बो से क्रैश बैरियर बनाना शुरू किया, जिससे किसानों को फायदा होगा। और सबसे खास बात, पहली बार दिल्ली के रिंग रोड यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 में गाजीपुर का 30 लाख कचरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे गाजीपुर लैंडफिल की हाइट 7 से 8 मीटर कम हुई है। पहले संसाधनों की कमी का हवाला देकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटका दिए जाते थे, लेकिन आज सरकार की उपलब्धियां देखकर न सिर्फ देशवासी बल्कि दुनिया भी कायल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।